आज की इस महफिल की एक और खसूसियत यह है कि हैदराबाद दक्कन के मशहूर और मारूफ शायर जनाब सुलेमान खतीब साहब मरहूम उनकी वेबसाइट का हम इफ्तिताह इन मेहमान शोरा के हाथों करेंगे। और जब आप उनकी शायरी अगर आपने आज तक नहीं सुनी है या देखी नहीं है किसी वीडियो पर, तो जब आप इसको देखेंगे वेबसाइट पे जाके तो इंशाल्लाह बहुत महजूज होंगे। तो ये मुशायरा का आगाज़ मैं तिलावत कलाम पाक से कर रहे हैं हम लोग, और इसके लिए मैं इमरान अहमद से दरख्वास्त करूँगा कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ये हाफिज़ हमारे नौजवान हाफिज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तरावियों में भी लीड करते हैं ये, इमरान अहमद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں، مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ اردو زبان آب حیات پی کر جوان ہوئی، اور جب اردو زبان نے ہندوستان میں جنم لیا تو فارسی نے اس کو گود لیا، عربی نے اس کو دودھ پلایا، ہندی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پنجابی نے اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، سندھی نے اس کو ریگستان کی وسعت دی، پشتو نے اسے پہاڑوں کی بلندی عطا کی، اور بلوچی نے اسے سمندروں کی گہرائی دی۔ یہ ساری جب کیفیات مل گئیں تو اردو کسی زبان کا نام نہیں بلکہ ایک رویے، تہذیب اور کیفیت کا نام ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر میں سلیمان خطیب صاحب مرحوم کی ویب سائٹ کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں تمام فرزندان سلیمان خطیب صاحب سے کہ وہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ مہمانوں سے آپ کا تعارف ہو سکے۔ جناب تمکین خطیب صاحب، جناب یامین خطیب صاحب، شاہین خطیب صاحب اور جناب تحسین خطیب صاحب، اگر متین خطیب صاحب پیچھے ہیں تو آگے تشریف لے آئیں پلیز۔ میں بہت ممنون ہوں تمام مہمان شورا کا، اور جاوید مسرور اپنا حق ادا کر چکے ہیں۔ میں درخواست کروں گا جناب مہمان شاعر محترم ندا فاضلی صاحب سے کہ وہ اسٹیج کے پاس تشریف لائیں، اور التماس کروں گا کہ لیپ ٹاپ پر www.suleymankhateeb.com ٹائپ کر کے ہندوستان کے عظیم دکنی شاعر سلیمان خطیب کی ویب سائٹ کا افتتاح فرمائیں۔ میری مؤدبانہ درخواست جناب ندا فاضلی کے ساتھ۔ ہندوستان کے عمومی اور حیدرآباد دکن کے خصوصی شاعر جناب سلیمان خطیب صاحب۔ میں رستے کی پنتی ہوں، دیپک ہوں فنکار، یہ سارا اجالا ہے میرے سخن کا، مجھے نہیں پہچانے لوگانچ میرے، میں انمول ہیرا ہوں دکن کے کھن کا۔ خواتین و حضرات، دکنی زبان کے مشہور شاعر حضرت سلیمان خطیب کی ویب سائٹ پر ہم آپ کا
इस्तकबाल करते हैं। शहर गुलबर्गा ने 20वीं सदी के वस्त में एक और शख्सियत को जन्म दिया जो दखनी जबान के साहिर, साहब तर्ज शायर, मुनफरिद नसर निगार, अवामी रहनुमा, सामाजिक कारकुन और आशिक बंदा नवाज ही नहीं बल्कि दखनी कलाम के मजमुआ केवड़े का बन के खालिक हैं, जिन्हें दुनिया सुलेमान खतीब के नाम से जानती है। सुलेमान खतीब 22 बहमन 1332 फसली मुताबिक 26 दिसंबर 1922 ईस्वी को बमुकाम चिटगुप्पा तालुका हुमनाबाद जिला बीदर रियासत कर्नाटक के एक खतीब घराने में पैदा हुए। आपके वालिद मोहम्मद सादिक और वालिदा बीबन भी थीं। आपके जद्दे आला ताज मोहम्मद साहब को 1037 हिजरी में इब्राहिम आदिल शाह की जानिब से जामा मस्जिद चिटगुप्पा का खतीब मुकर्रर किया गया था। एक दिन आप जंगल में ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि काफिला बजरिए बैलगाड़ियों के उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हो रहा है। आपको भी ख्वाहिश हुई कि उर्स में शिरकत करें। चूंकि बचपन ही से आपको ख्वाजा बंदे नवाज से वालेहाना मोहब्बत थी तो आप उस काफिले के साथ गुलबर्गा शरीफ के लिए रवाना हुए जो आपका गुलबर्गा के लिए पहला कामयाब सफर था। आज से कोई 30-35 साल पहले की बात है। मैं ये कहने में कोई दो राय नहीं रखता कि हर मुशायरे में सुलेमान खतीब का होना लाजमी बनता है। ये बात इसलिए थी कि वो अपने मैदान में एक मुनफरिद मुकाम रखते थे और जहां तक उनकी शायरी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में तंज के साथ साथ मिजाह को मिलाकर शायरी पेश करने का अंदाज सुलेमान खतीब में बहुत ही मुनफरिद तौर पर पाया गया था। 1946 में वो अपने खानदानी रिवायत के बरक्स गैर खानदान में मुझसे शादी की। उनका ख्याल था कि एक तालीम याफ्ता औरत ही बच्चों की अच्छी तरबियत दे सकती है, बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है। वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए पुरखलुस शोहर और बाप थे। हम हजरत सुलेमान खतीब साहब की वेबसाइट पर आपका इस्तकबाल करते हैं। जी वैसे तो वालदैन के लिए औलाद एक जैसी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको कौन पसंद था ये कौन बताएगा? मुझे 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 बहुत चाहते थे। के लिए एक नीलाम का पलंग लाया। क्या बात, नीलाम घर का एक पलंग, उसको
मैंने एक नीलाम घर से एक पलंग खरीदा, एक शायर। हुस्न है, शबाब है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे, और भीड़ में इसी तरह तन्हा नजर आने वाला एक शायर, दक्कनी जबान का एक शायर सुलेमान खतीब आपके सामने तशरीफ ला रहा है। समाप्त कीजिए सुलेमान खतीब साहब को, जिनकी दक्कनी जबान की शायरी में आपको मिठास भी मिलेगी और खटास भी। आइए सुलेमान खतीब साहब। जनाब, इस नज्म का उन्वान है छोरा छोरी। एक लड़के की माँ लड़की के घर आती है और लड़की की माँ पूछती है, बोलो काला मिजाज कैसे हैं, कितने बरसों के बाद आई हो, मिस्सी होंठों पे आंख में काजल, जैसे पैगाम कोई लाई। लड़के की माँ बोली, मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरा छोरा तो पक्का सोना है, तुम्हें दिल में जरा न को सोचो, हाथ आया सो हीरा खोना है, चार लोगा में उसकी अबरू है, जैसे केवड़े के बन में खुशबू। थैंक यू फॉर विजिटिंग www.suleymanfaqih.com। For more, log on to www.suleymankhateeb.com। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम फर्जंदान और उनकी साहबजादी के को इस वेबसाइट के इफ्तिताह के लिए। तमाम बरादरान वैसे भी कम्युनिटी की खिदमत में हरदम रहते हैं और किसी न किसी फॉर्म में आपको वो, और खतीबान को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, इंतज़ाम करने वाले लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, आज के मुशायरे को अब मैं फिर देता हूँ मसरूर जावेद की तरफ, ताकि वो बाकायदा इसे आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।